25 दिसंबर 2021 यूरोप के फ्रेंच गुयाना स्पेसपोर्ट से JWST अंतरिक्ष में लॉन्च होता है। उसके बाद 3 से 6 जनवरी के बीच उसके एक एक करके 5 सन शील्ड्स खोले जाते हैं और फिर बाय द एंड ऑफ फोर्थ मंथ आफ्टर लॉन्च उसके मिरर्स और सेंसर्स को प्रॉपरली अलाइन किया जाता है। एंड देन फाइनली बाय 13 जुलाई 2022 JWST द्वारा खींचे गए कुछ पहले इमेजेस इंटरनेट तक पहुंच जाते हैं। बट वेट अ मिनट, क्या सिर्फ पहले इमेजेस? Well, actually 13 July के दिन, suddenly out of nowhere, American astronomer Dr. Heidi Hamel, JWST द्वारा खींचे गए जुपिटर के दो इमेजेस भी ट्विटर पर लीक कर देते हैं, जो बाय द वे अगले महीने के 22वें तारीख को रिलीज होने थे। अब ऐसे में कहने के लिए तो हम इसे सिर्फ एक छोटा सा मजाक मानकर इग्नोर कर सकते हैं, बट देन ऑगस्ट 24th यानी कि दो दिन बाद आफ्टर रिलीजिंग जुपिटर्स इमेजेस, JWST को लेकर अगेन एक और एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट MIRI अचानक से मिसबिहेव करने लगता है और अल्टीमेटली उसके यूज को डायल डाउन करना पड़ता है अंटिल द इशू इज बीइंग रिजॉल्व्ड। सो हियर कम्स द क्वेश्चन, ये सब बस एक इत्तेफाक था? इसी साल फरवरी में रशियन हैकर्स ने US सैटेलाइट कंपनी VIASAT के सैटेलाइट्स को हैक करके डिसेबल कर दिया था, जिसके वजह से USA ने यूक्रेन के साथ कम्युनिकेशन खो दिया। तो क्या ये भी कोई ऐसा ही साइबर अटैक था? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सो फ्रेंड्स, एटलीस्ट इन द केस ऑफ लीक्ड इमेजेस, जिस तरह से JWST से मिले डेटा को स्टोर किया जाता है, या इवन फर्दर जिस तरह से उसके बेसिस पर पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं, वेल आई डोंट नो इवन वेदर इसे इमेज लीक कहना सही भी है या नहीं, बिकॉज इफ यू सी JWST के इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा कलेक्टेड सारा रॉ डेटा एक ओपन एक्सेस आर्काइव मिकुल्स्की आर्काइव्स फॉर स्पेस टेलीस्कोप मस्त में स्टोर किया जाता है, विच इज ऑफिशियली मैनेज्ड बाय द स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट STSCI। नाउ एज आई सेड, इट इज ओपन एक्सेस, यानी कि जो चाहे जब चाहे उस डेटा को एक्सेस करके अपनी पर्सनल रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। अब आई नो यूड बी लाइक, जुपिटर की तो दो फुल फ्लेज रेडीमेड इमेजेस समय से पहले लीक हुई है, ना कि कोई बोरिंग सा न्यूमेरिकल रॉ डेटा जो ऐसे इमेजेस को बनाने में यूज होता है। एंड यस, ये प्रोपोजिशन लॉजिकल भी है, बिकॉज देन इट मीन्स कि किसी ने फाइनल पब्लिशिंग के वक्त नासा के प्रोसेस्ड इमेजेस को चुरा कर उसे लीक कर दिया। पर क्या सच में? वेल, क्योंकि जब भी किसी को एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है तो उसे बस अपना पेपर किसी प्रेस्टीजियस एक्रीडिटेड जर्नल को सबमिट करना होता है और वो जर्नल देन उस पेपर को प्रोमिनेंट साइंटिस्ट को भेजता है फॉर पीयर रिव्यू, और फिर वंस द पेपर गेट्स अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द स्कॉलर्स, वो पेपर फाइनली उस जर्नल में पब्लिश हो जाता है। एंड नाउ इन दिस एंटायर प्रोसेस, इवन दो लीक के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, JWST की हाइप की वजह से पीयर रिव्यू के लिए अनगिनत रिसर्च पेपर्स पाइपलाइन में फंसे हुए हैं, और इसका नतीजा Researchers are opting for another promising yet slightly risky way of publishing their research, pre-printing. इस मेथड में एक रिसर्चर अपने रिसर्च पेपर को जर्नल को सबमिट करने से पहले साइंटिफिक कम्युनिटी में पोस्ट करता है, यू नो, एज प्री-प्रिंट्स और ड्राफ्ट पेपर्स। अब ऐसा करने से उस रिसर्चर को अपनी रिसर्च पर अनगिनत स्कॉलर्स का फीडबैक मिल जाता है, और फिर उन फीडबैक के बेसिस पर चेंजेस करके जर्नल को पेपर सबमिट करने से पेपर जल्दी पब्लिश भी हो जाता है। However, again, there's a little catch. इस मेथड में एक रिसर्चर द्वारा किसी और की रिसर्च चोरी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। So does that mean कि वो जुपिटर की लीक्ड इमेजेस इसी प्रोसेस के दौरान लीक हुई थी? Well, not exactly. Actually, after testing all the instruments on JWST, NASA ने उन टेस्ट की एक कमिशनिंग रिपोर्ट रिलीज की थी कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, वगैरह वगैरह। अब क्योंकि ये रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल थी, उसमें JWST का नियर इंफ्रारेड कैमरा मूविंग ऑब्जेक्ट्स को कितने एफिशिएंटली कैप्चर करता है, इसके बारे में भी काफी डिटेल में स्टेटेड था। बट चलो, टेक अ वाइड गेस कि नियर कैम को टेस्ट करने के लिए उसे किस ऑब्जेक्ट की फोटो खींचनी होगी? Yes, जुपिटर की, जिसे फिर डॉक्टर हाइडी हैमल ने जोश जोश में ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। Now, this is not an act of cyber attack, because even if these photos do get leaked before schedule, time पर रिलीज करके वैसे भी NASA को कोई पैसे नहीं कमाने थे। So, यहां पर इस वजह से NASA को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। But, एक सेकेंड, चलो एक बार के लिए मान लिया कि फोटोस कीमती नहीं है, बट देन क्या JWST खुद भी NASA एंड देयरफॉर US के लिए कीमती नहीं है? I mean, even after collaborating with the European and Canadian space agencies, NASA ने अकेले अब तक JWST पर minimum $8.8 billion
यानी कि 72,354 करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं। एंड येट एज आई सेड अर्लियर, JWST का मेरी लॉन्च के पहले ही साल में मिसबिहेव करने लगा। उसके वन ऑफ दी फोर ऑपरेटिंग मोड्स यानी मीडियम रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का वेवलेंथ सिलेक्शन व्हील घूमते वक्त फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि अलग अलग कॉम्पाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट करते हैं, और इससे हमें उन कॉम्पाउंड्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। इनफैक्ट दिस इज व्हाट वी डू इन एनी काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर दैट मैटर। अब ऐसे में अगर आपका डिवाइस अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट को सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो आप किसी टारगेटेड प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस मौजूद है ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? आई मीन नासा नीड्स द वेवलेंथ सिलेक्शन व्हील टू बी फंक्शनल एज सून एज पॉसिबल। और सच कहूं तो नासा ने ऑलरेडी सितंबर 6 को एक रिव्यू बोर्ड सेटअप भी कर लिया है, सो दैट जल्द से जल्द इस इशू के कॉज एंड सोल्यूशन को ढूंढ निकाला जाए। वैसे भी 45 ईयर्स पुराना और पृथ्वी से करीब 23 बिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद अगर वॉयजर 1 का ग्लिच नासा साइंटिस्ट महज 3 महीनों में सॉल्व कर सकते हैं, देन आई थिंक ये इशू भी सॉल्वेबल है। इनफैक्ट नासा इटसेल्फ सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस रिगार्ड, बिकॉज इवन विद जस्ट 3 मोड्स, फंक्शनल इमेजिंग, लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और कोरोनोग्राफिक इमेजिंग, नासा ने डिसाइड किया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 19 वो हर हफ्ते एक न्यू इमेज रिलीज करेंगे। लाइक टेक दिस इमेज फॉर एग्जांपल, जो नासा ने 21 सितंबर को रिलीज किया है। इस इमेज में हम नेपच्यून के रिंग्स को काफी साफ साफ देख सकते हैं, जिनको बाय द वे आज से करीब 33 ईयर्स पहले साल 1989 में वॉयजर 2 कैप्चर कर पाया था, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसके पास से गुजर रहा था। एक्चुअल में बिकॉज नेपच्यून इज एटलीस्ट 4.47 बिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन, विजिबल रेंज में उसके रिंग्स में फ्लोट हो रहे डार्क रॉक्स कैप्चर ही नहीं होते, सिर्फ इंफ्रारेड रेंज में ही वो नजर आते हैं। बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग डायलेमा ओवर हियर। इंफ्रारेड रेंज में जब रिंग्स ब्राइट दिखते हैं तो नेपच्यून खुद अपने आप को छुपाने लगता है। आसान भाषा में कहूं तो नेपच्यून का एटमॉस्फेयर मेजरली मीथेन से भरा हुआ है, जो इंफ्रारेड लाइट को अच्छे खासे लेवल तक एब्जॉर्ब करता है। यानी नेपच्यून जो विजिबल लाइट में मस्त एकदम सिल्की स्मूथ ब्लू बॉल की तरह नजर आता है, वो इंफ्रारेड रीजन में ऑलमोस्ट नजर ही नहीं आता है। यहाँ इस इमेज में हम जो उसका ब्राइट कलर देख रहे हैं, इट इज मेनली बिकॉज सूरज से दूर होने की वजह से वहां भरी दोपहर में बस उतना ही उजाला होता है जितना पृथ्वी पर किसी पूर्णिमा की रात पर होता है। नतीजा नेपच्यून का तापमान बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले बहुत कम है, जिसकी वजह से उसकी ऊपरी लेयर्स में मीथेन गैस फ्रीज हो जाता है, विच देन रिफ्लेक्ट्स द इंफ्रारेड लाइट बैक टू द सेंसर्स। So, वो जो आप ब्राइट बैंड्स देख पा रहे हो ना, वो टेक्निकली वही मीथेन के आइस क्लाउड्स है, जो रोजाना साउंड स्पीड से भी 1.5 टाइम्स तेज यानी मैक 1.5 की रफ्तार से नेपच्यून के चक्कर लगाते हैं। और ना चौको मत, पूरे सोलर सिस्टम की सबसे तूफानी हवाएं नेपच्यून पर ही तो बहती है। दैट्स वाइल्ड, बट नेपच्यून इज फिल्ड विद सच weirdness. I mean, just look at this. इसमें वो जो पीछे bright star नजर आ रहा है ना, वो actually Neptune का moon Triton है. सबसे brightest yet सबसे chilled बंदा. Bright इसीलिए क्योंकि इसका nitrogen ice से बना surface infrared को almost totally reflect करता है. Hence the brightest. और chill इसीलिए क्योंकि वो nitrogen ice से बना हुआ है, जिसके सतह का तापमान -235.15 degree Celsius है. Hard to even wrap your head around it, right? Infrared imagery में चीजें वैसे ही बदलती है जैसे किसी negative photograph को colored photo में convert करने पर बदलती है। Like, क्या believe कर सकते हो recently आसमान में dim reddish और harmless नजर आने वाले Mars, James Webb Space Telescope के sensors को अपनी brightness से जलाने वाला था, metaphorically? जी हाँ, JWST के सेंसर्स आर वे टू सेंसिटिव टू लाइट, क्योंकि उन्हें ओरिजिनली डिस्टेंट गैलेक्सीज की डिम लाइट को कैप्चर करने के लिए बनाया गया था। अब ऐसे में सूरज के नजदीक मौजूद मार्स का सरफेस जब तपता है तो वो इंफ्रारेड रेंज में ऑलमोस्ट आई ब्लाइंडिंग नजर आता है। पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई सितंबर 5 को रिलीज्ड मार्स की इन इमेजेस को कैप्चर करने के लिए JWST को मजबूरन विजिबल रेंज के नजदीक यानी 2.1 और 4.3 माइक्रोन्स की नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को यूज करना पड़ा। सो व्हाट डू वी हैव हियर? वेल Actually, nothing new as such, क्योंकि हम मार्स को already काफी डिटेल में स्टडी कर चुके। The only thing new over here is that हम सिर्फ JWST के images के दम पर किसी planet के features को कितने accurately predict कर सकते हैं, इसे test किया जा सकता है।
लाइक अगर लेफ्ट साइड की रेफरेंस इमेज के साथ कंपेयर करें तो एट 2.1 माइक्रोन फिल्टर हम तीन मेजर रीजंस देख सकते हैं, डार्क वोल्केनिक बेसाल्ट रॉक से बना सेटिस मेजर और फिर उसके बगल में मौजूद हुईजेंस क्रेटर और लास्टली द हेलिस बेसिन जो डिस्प्यूटेडली सोलर सिस्टम का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेटर्स माना जाता है। इट इज अराउंड 2300 किलोमीटर वाइड एंड अराउंड 7000 मीटर्स डीप। इतना बड़ा कि इंडिया अगर अपना कश्मीर और सेवन सिस्टर्स वाला रीजन थोड़ा अंदर समेट ले तो उस क्रेटर में आराम से पूरा फिट बैठ सकता है। बट दैट्स नॉट द इंटरेस्टिंग पार्ट। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट यही सेम हेलिस बेसिन जो 2.1 माइक्रोन फिल्टर में काफी ब्राइट नजर आता है, इट सडनली अपीयर्स डार्कर इन द 4.3 माइक्रोन इमेज। या जस्ट लुक एट इट, इस 4.3 माइक्रोन इमेज में जो ब्राइटर रीजन है वो बेसिकली वो रीजन है जो सूरज को डायरेक्टली फेस करने की वजह से तप रहा है। क्या इसका मतलब बीच में मौजूद डार्क कलर का हेलिस बेसिन कंपैरेटिवली ठंडा है? नो, इट सिंपली मींस कि 4.3 माइक्रोन्स की इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हेलिस बेसिन में ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, प्रोबेबली बिकॉज उसके डेप्थ की वजह से वहां एयर प्रेशर एंड हेंस कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। But, this is just preliminary information. अभी से Mars visit करने के plans बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि even if you say कि we know how to deal with CO2, हमारा atmosphere mainly 78% nitrogen और 21% oxygen से dominated है, while CO2 is well below 1%. इसके एकदम opposite Mars पर things are way different. Mars के atmosphere में carbon dioxide और carbon monoxide dominate करते हैं, यानी Mars पर settle होने से पहले I think हमें उसकी toxicity को reduce करने के लिए शायद expected से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। And what are your thoughts on it? लिखिए अपनी राय नीचे comment section में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, like जरूर ठोकना और subscribe कर लेना ऐसी interesting videos को आगे भी देखते रहने के लिए। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind. Curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.